चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में जिस तरीके के साथ चुनाव अधिकारी ने वोटों पर फेरबदल करके और 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया और हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया और जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर हमेशा सजगता का परिचय देते रहे हैं। पिछले साल उन्होंने एक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें केंद्र सरकार को यह कहा गया था कि केंद्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सरकार ने पलट दिया और अब जो नई व्यवस्था सरकार ने की है उसके अनुसार प्रधानमंत्री स्वयं, उनके द्वारा नामित एक मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष, ये 3 लोग मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। तो उससे जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए थी चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, यह संदेश सरकार ने पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का। जिस तरीके से सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अपना पक्ष भारी रखा कि हम जिसको चाहें उसी को नियुक्त करें, ये कहीं ना कहीं लोगों को संदेह उत्पन्न कराता है। अब इसी मामले की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी बीच में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी राज्यपाल महोदय द्वारा चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के महापौर के पद के चुनाव के लिए जिस व्यक्ति को चुनाव अधिकारी बनाया गया वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और उस व्यक्ति द्वारा मतदान के बाद वोटों में हेरा फेरी करके उन्हें संदिग्ध बनाकर और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के महापौर को चुनाव जिता दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नाराज होना इसलिए भी बहुत जरूरी हो गया था कि जिस तरीके से प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में वोटों की जो महत्ता है कि लोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं और उन्हीं पर विश्वास करते हैं, सारा संविधान उसी पर टिका हुआ है। तो अब देखिए इसमें 3 मामले अलग अलग हुए कि एक तो हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव कराओ और पहले चुनाव अधिकारी बीमार हो गया तो चुनाव टाल दिए गए। जब हाईकोर्ट ने कहा नहीं, निर्धारित समय पर चुनाव कराएं और चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट का जब ऑर्डर गया तो चुनाव कराने के लिए तैयारी हो गई। राज्यपाल ने एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव अधिकारी बना दिया जो पूरी तरह से पक्षपाती था और जब मतदान हुआ और उसके बाद जब मतगणना हुई तो उसने 8 मतों पर डबल निशान लगाकर और एक हिसाब से 8 मतों को अवैध घोषित कर दिया और भाजपा का कैंडिडेट जीत गया। ये सब कैमरे के सामने हुआ और पहली बार जब कैमरे के सामने होते हुए भी चुनाव अधिकारी को कोई डर नहीं लगा। तो अब ऐसे लेवल पर चुनाव आयोग, चुनाव काम में लगे हुए अधिकारियों के ऊपर किस तरीके से विश्वास किया जा सकता है। जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो उन्होंने भी कारण बताओ नोटिस देते हुए और उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ऐसा अमूमन हर मामले में होता है कि जब कोई इस तरीके की गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं तो हाईकोर्ट उन मामलों की सुनवाई में नोटिस जारी कर देता है और वर्षों तक उनकी सुनवाई चलती रहती है, जिसके कारण इस तरीके की अवैध कार्रवाई बड़े पैमाने पर समय समय पर होती रही है। लेकिन यह मामला तूल पकड़ा, दिल्ली में प्रदर्शन हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थिति को देखा तो उन्होंने सुनवाई के दौरान यहाँ तक कह दिया कि जो चुनाव अधिकारी था उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, अर्थात उसके ऊपर भी FIR होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट इस पूरे चुनाव में जिस तरीके की धांधली की गई है उसको देखते हुए उन्होंने ना तो नगर निगम को अगली कोई बैठक बुलाने का सबके लिए मना कर दिया और एक हिसाब से इस्टे ऑर्डर तरीका जारी कर दिया कि अब महापौर या कोई भी कार्य परिषद कोई नया काम नहीं कर पाएगी, कोई नया निर्णय नहीं ले पाएगी। चुनाव में ईवीएम को लेकर भी बड़े पैमाने पर देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं और उसी भरोसे को जताए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो केंद्र सरकार को आदेश दिए थे कि कम से कम चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 निष्पक्ष लोग शामिल होने चाहिए कि उसमें एक प्रधानमंत्री साहब हों, एक नेता प्रतिपक्ष हो और एक खुद चीफ जस्टिस हों, तो जब भी चुनाव की निष्पक्षता की बात होगी तो इसके लिए ये बात रखी गई थी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने उसको बदला है तो उसके बाद से ही चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गए हैं और अब तो यह मामला पूरे देश भर में एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। जब लोगों ने डमी वीवीपैट मशीन और डमी ईवीएम मशीन बना के ये बता दिया है कि चुनाव को किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है और जिसको जिताना चाहते हैं उसको जिताया जा सकता है, जिसको हराना चाहते हैं तो हराया जा सकता है, और प्रत्यक्ष रूप में एक बहुत ज़्यादा वोट नहीं थी, 34 वोटों में, और ये एक चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने या सरकारों ने या पदों पर बैठे हुए लोगों ने जब चुनाव को इस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की है तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का नाराज होना स्वाभाविक है। अब यदि इस मामले में विश्वसनीयता नहीं रही तो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी जो है वो चुनाव व्यवस्था है और केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, और यदि इस हड्डी को मजबूती के साथ नहीं संभाला गया तो लोकतंत्र तो खतरे में चला गया और एक हिसाब से राजतंत्र स्थापित हो जाएगा, और इस तरीके की बातें अब पूरे देश भर में आंदोलन के जरिए कही जा रही हैं और लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें केस की सुनवाई के दौरान कही हैं, सुनी हैं और जो अंतरिम आदेश जारी किए हैं तो उसके बाद एक भरोसा जगा है, और यही माना जा सकता है कि ये भरोसा सुप्रीम कोर्ट आम जनता का बनाए रखेगी और चुनाव निष्पक्ष हों इसके लिए जो भी जरूरी व्यवस्थाएं हैं या जो भी कड़ाई या जो भी स्पष्ट आदेश हैं वो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद ये कह दिया गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इससे खराब टीका टिप्पणी कोई हो नहीं सकती है, और अब ये सरकार की जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो चुनावी व्यवस्था पर जनता का भरोसा बने रहे, इसके लिए उन्हें काम करने पड़ेंगे। धन्यवाद।